हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिश एंड फन में। आज फिर एक और फिश डिसीज से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं। आज हम जिस डिसीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एंगर वॉर्म डिसीज। पैरासाइटिकल डिसीज है, मछली की बॉडी पे लिटरली आपको कीड़े दिखते हैं, वो डिसीज है, कॉन्टेजियस डिसीज है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। तो हमेशा की तरह मेरी जितनी भी फिश डिसीज से रिलेटेड वीडियो है उनकी तरह इसमें भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कारण कि ये जो डिसीज होती है उसका कारण क्या है, किस कारण से होती है, सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसमें, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डिसीज होती है ये एक तरह का कीड़ा होता है जो आपको मछली की बॉडी के बाहर दिखेगा, धागे टाइप का कीड़ा दिखेगा, व्हाइट कलर का धागा टाइप का दिखेगा, एक तरह का पैरासाइटिक डिसीज होता है। वो कीड़ा जब तक आपको दिखता है, जब तक काफी कीड़े हो चुके होते हैं, उनके एग्स काफी एक्वेरियम में हो चुके होते हैं, और डिसीज एक स्टेज आगे निकल चुका होता है, बढ़ चुका होता है। फर्स्ट स्टेज पे समझ में नहीं आता क्योंकि खुली आंखों से दिखने वाला इन्फेक्शन होता नहीं है, पैरासाइट खुली आंखों से नहीं दिखता है। जो इस पैरासाइट के अंडे होते हैं वो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। जब वो अंडे हैच हो जाते हैं, वो अंडे बड़े हो जाते हैं, मछली की बॉडी पे चिपक जाते हैं, उसका खून चूसने लगते हैं और बॉडी पे दिखते हैं, तब समझ में आता है कि ये इन्फेक्शन हो गया है आपके फिश को। तो सबसे पहले तो ये जो इन्फेक्शन होता है उसका जो सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है आपका, मेन सोर्स ये होता है कि अगर आप कभी किसी दूसरी एक्वेरियम शॉप से या कहीं से भी कोई इन्फेक्टेड फिश लाएं जिसके अंदर पहले से इस पैरासाइट के अंडे हैं या पैरासाइट लगा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉन्टेजियस डिसीज है, एक से दूसरे में फैलता है वो अंडे, और अगर वो पैरासाइट किसी एक फिश में लगा हुआ है तो वो एक फिश से फैल के दूसरी और दूसरी से तीसरी, और ऐसे आपकी एक्वेरियम की पूरी फिशेज में लग जाता है। सबसे पहला रीजन होता है सोर्स फिश। जहां से भी आप फिश लेके आए, कभी भी फिश लेके आए, बहुत अच्छे से चेक करके लेके आए, उसमें किसी तरह का एंगर वॉर्म नहीं हो, और अगर एंगर वॉर्म किसी एक फिश में भी आपको दिखे तो कोशिश करें उस टैंक की कोई भी फिश परचेज ना करें, किसी और टैंक में से फिश परचेज करें जिसमें सब फिशेज हेल्दी हो। दूसरा रीजन होता है लाइव प्लांट्स। आप अगर आपके एक्वेरियम में लाइव प्लांटेड एक्वेरियम में अगर आप प्लांट डाल रहे हैं तो प्लांट भी बहुत अच्छे से देख के लाएं। अगर प्लांट में किसी तरह का कुछ अंडों जैसा आपको खुली आंखों से दिखे, वैसे दिखते नहीं है क्योंकि इसके अंडे बहुत ही बारीक होते हैं, अगर दिखे तो वो प्लांट के लॉट में से भी कोई प्लांट ना लें। अगर आपको एंगर वॉर्म प्लांट की जड़ों में यूजुअली दिखता है, अगर प्लांट की जड़ों में लगा हुआ दिखे तो वो प्लांट्स भी ना लें। उसके बाद दूसरा होता है अगर आप कोई वेट एसेसरीज या वेट सैंड वैंड, कई लोग नेचर से कलेक्ट करके, तालाबों से कलेक्ट करके सैंड डालते हैं, किसी नदी तालाब के किनारे से उठा के रेत डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उसमें भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि ये पैरासाइटिकल इन्फेक्शन आ जाए। या आपने किसी इन्फेक्टेड टैंक से टॉय उठा के, या किसी इन्फेक्टेड टैंक से प्लास्टिक प्लांट उठा के आपने आपके मेन टैंक में डाला जो बिल्कुल ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उससे इसमें आ गया तो फिर इसमें वो पनप जाएगा पैरासाइट, और पनप के वो बढ़ेगा और आगे फिशेस को लगेगा। तो मेन ये चार रीजन होते हैं जिस वजह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपके टैंक में आ सकता है। सोर्स फिश, नेचुरल प्लांट, किसी भी नेचुरल जगह से, किसी भी नेचर से आपने उठाई हुई रेत या पत्थर जो कि गीले हो, और किसी दूसरे टैंक का कोई डेकोरेशन जो कि वेट हो। ड्राई में ये पैरासाइट सरवाइव नहीं करता, अगर 24 घंटे भी सूखा रहे तो मर जाता है। वेट एरिया होगा वहीं ये सरवाइव करेगा, हल्की भी गीली जगह होगी तो सरवाइव कर जाएगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स कि जैसे मैंने आपको अभी रीजन बताया, अब सिम्टम्स के अगर ये पैरासाइट होगा तो आपको आपके फिशेज में क्या दिखेगा। सबसे पहले तो आपको आपके फिशेज के गिल्स में, जो उसके गलफड़े होते हैं जहां से फिशेस सांस लेती है, वहां पे उसके पेट में, उसकी टेल में, उसकी बॉडी पे आपको एक धागा टाइप का निकलता हुआ दिखेगा। तो जो धागा होता है वो धागे से ही इस पैरासाइट का नाम रखाया है एंकर वॉर्म। एंकर टाइप का निकलता हुआ दिखेगा आपको, एक थ्रेड टाइप का निकलता हुआ दिखेगा, सबसे पहला रीजन वो होता है। दूसरा होता है इसके पैरासाइट के अंडे जो कि विजिबल नहीं होते, आंखों से देखना संभव नहीं होता। जब ये अंडे मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं, एंगर वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मछली की बॉडी पे दिखने लगते हैं, तब समझ में आता है।
तीसरा रीजन बाकी जैसी सब डिसीजेस में होता है, आपके फिश खाना खाना बंद कर देगी, स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, स्ट्रेस में चली जाएगी, नीचे बैठी रहेगी। ये तीन चार रीजन होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आपकी फिश में ये डिसीज हो गया है। अभी तक हमने बात करी रीजंस की और सिम्टम्स की। इसी वीडियो में मैं आपको ये जो एंगावॉर्म होता है इसका लाइफ सर्कल का पूरा एक डायग्राम दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि ये पनपता कैसे है, मछली की बॉडी में कैसे पनपता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मैंने आपको रीजन बता दिया, मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। इसका कोई भी होममेड रेमेडी ट्रीटमेंट नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। अब तक जो मैंने ट्रीट किया है जितनी भी फिशेस को, मुझे कोई भी होममेड रेमेडी इसका नहीं लगा, मैंने ट्रीटमेंट ही यूज किया है। तो आपको भी ट्रीटमेंट रिकमेंड करूंगा। दो तीन तरह के ट्रीटमेंट इसके आते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। आप कभी भी कोई फिश लाएं, मैंने इससे पहले भी मेरी वीडियोस में आपको बताया है, कभी भी आप कोई नई फिश लाएं उसे 8 से 10 दिन क्वारंटाइन करें। एक हॉस्पिटल टैंक घर में रखें आपके मेन डिस्प्ले टैंक के साथ, जिसमें आप जो नई फिशेज हैं उसे क्वारंटाइन करें, ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो ये 8-10 दिन में आप वो इन्फेक्शन को ऑब्जर्व कर सकें और उसको वहीं हॉस्पिटल टैंक में ट्रीट कर सकें, आपकी मेन टैंक की पूरी फिशेज का लॉट खराब ना हो। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करना चाहिए, हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो आप ये प्रिवेंशन में ध्यान दें कि आप जो भी नई फिश लेके आए उसे आप आपके हॉस्पिटल टैंक में 8-10-15 दिन क्वारंटाइन करें। दूसरा, अब अगर आपने क्वारंटाइन नहीं करा है, डाल दिया और ये डिसीज आपके एक्वेरियम में आ गया है, तो इसके लिए आपको यूज करना है 4 लीटर पानी पे 5 ग्राम सॉल्ट। आपका टैंक का वाटर वॉल्यूम जितना भी है, मैं आपको इसी वीडियो में एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट भी दे दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि अगर आपका टैंक जितना बड़ा है तो उसमें कितने लीटर पानी आता है। जितने लीटर पानी आता है उस हिसाब से 4 लीटर पे 4 से 5 ग्राम सॉल्ट डलेगा, जो कि सिर्फ एक बार डलेगा, रॉक सॉल्ट नहीं डलेगा, इप्सम सॉल्ट भी नहीं डलेगा, इक्वेरियम सॉल्ट या मेडिकेटेड सॉल्ट डलेगा जो आपको किसी भी इक्वेरियम शॉप पे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सॉल्ट डालना है, उसके बाद जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियोस में भी बोला है, कुछ आपको मेडिसिन बता रहा हूं उनमें जैसा ट्रीटमेंट लिखा हो, उनमें जैसा प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो वैसे यूज करना है। मैं जनरली यूज करता हूं पैरासिडॉल एक्वा रेमेडीज की, पैरासिडॉल FW। इसका 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है, बॉटल पे लिखा होता है इसे किस तरह से यूज करना है। इसके अलावा ओशन फिश का भी आता है, ओशन फिश का एंगावॉर्म डिसीज का एक मेडिसिन आता है एंगावॉर्म स्पेशल, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और एक्वा केयर और एक्वा नेचर करके दो बड़े ब्रांड्स हैं जो कि जर्मनी के हैं, उनका भी आता है मेडिसिन एंगावॉर्म से रिलेटेड, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा। मैं इन चारों मेडिसिन के अमेजोन के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इन मेडिसिन को जैसा इनमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वैसा यूज करना है। ट्रीटमेंट से आप यूज करेंगे तो आपके फिश ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। और एक बार आपकी फिश पूरी तरह से क्योर हो जाए उसके बाद आप 8 दिन का और वेट करें, उसे अच्छा क्वालिटी का फीड कराएं आप, और 8-10 दिन बाद जब आपको लगे कि इन्फेक्शन पूरी तरह से चला गया है तभी आप कोई नई फिश इसमें ऐड करें। अगर इन्फेक्शन किसी एक फिश में भी रह गया है तो आपकी जो भी आप दोबारा नई फिश ऐड करेंगे बहुत पॉसिबिलिटी है वो इन्फेक्शन उसमें भी हो जाए और आपकी बाकी फिशेज में भी हो जाए। इसलिए ये ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपको नई फिशेज डालने के लिए 1 हफ्ते वेट करना है, अच्छे से आपको क्रॉस चेक करना है कि ये इन्फेक्शन आपके टैंक में कहीं से भी बचा तो नहीं है। जब आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि इन्फेक्शन नहीं है तभी आपको नई फिशेज आपके टैंक में ऐड करना है। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा हमारे जो नए हॉबीस्ट हैं जिन्होंने कभी ना कभी, या पुराने हॉबीस्ट हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये डिसीज अपने एक्वेरियम में फेस किया है, उन्हें आज इसका सही ट्रीटमेंट मिला होगा, इससे उन्हें कुछ फायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर वीडियो में कुछ ऐसी बात हो जो आपके अनुसार उसमें ऐड होना बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, क्योंकि मैं अपने द्वारा जो मेरी जानकारी है मैंने उतनी आपको जानकारी दी, हो सकता है हॉबीस्ट से मुझे कुछ और ऐसी जानकारी मिले जो मुझे भी पता ना हो, जो मेरी नॉलेज में ना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करें।
कि इस डिसीज में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट मैं करता हूं। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते।